हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 रिलीज्ड एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है हॉन्टेड शावर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फ्रेशर मारा के साथ, जो एक एथलीट है और रिसेंटली एक नए स्कूल में ज्वाइन किया है। वैसे तो यह स्कूल काफ़ी अच्छा है, मगर यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही मीन है। ऊपर से इंट्रोवर्ट होने के कारण मारा और ज़्यादा लोनली फील कर रही थी। एक दिन शावर के वक्त वो देखती है उसके फ्लोर के बाथरूम के सामने लंबा लाइन बन चुका है। एक लड़की से पूछने पर उसे पता चलता है थर्ड फ्लोर का बाथरूम बंद है, इसलिए उस फ्लोर के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ फोर्थ फ्लोर में भी गए हैं, लेकिन वहाँ इससे भी ज़्यादा भीड़ है। मारा को ऑलरेडी बहुत लेट हो रही थी, तो वो चांस लेने की सोचती है, क्या पता फोर्थ फ्लोर में कम लाइन हो। वो उसी वक्त लिफ्ट की तरफ भागती है। दूर से उसे कोई दिखता है अंदर जाते हुए, तो वो उसे डोर होल्ड करने के लिए कहती है, मगर वो नहीं करता। और जब मारा लिफ्ट में जा पहुंचती है, तब उसे लिफ्ट कंप्लीटली खाली मिलता है। वो समझ नहीं पाती वो आदमी कहां गया, उसने क्लियरली देखा था किसी को, मे बी उसने गलत देखा होगा। मारा ज्यादा ध्यान नहीं देती, फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए बटन प्रेस करती है, मगर हम देखते हैं लिफ्ट उस फ्लोर पे रुकता ही नहीं, डायरेक्टली फिफ्थ पे जाके रुकता है, जबकि वो बटन वर्किंग था ही नहीं। मारा पहले तो कुछ नोटिस नहीं करती, मगर लिफ्ट से निकलकर चारों तरफ अंधेरा देखकर उसे सब समझ आता है। वो रिटर्न करने ही वाली थी कि अचानक उसे कहीं से पानी की आवाज आने लगती है, जिसे फॉलो करके वो पहुंच जाती है इस फ्लोर के बाथरूम में। एक बाथरूम तो खराब था, मगर दूसरा चल रहा था, कंटिन्यूसली पानी निकल रहा था उससे। मारा तो खुश हो जाती है, यहाँ वो आराम से नहा सकती है। हाँ, सेटअप देखने में थोड़ा गंदा है और पुराना सा भी, मगर पानी आ रहा है और ड्रेनेज भी काम कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, उसका काम चल जाएगा। वो समझ नहीं पाती सभी नीचे क्यों भीड़ कर रहे हैं, यहाँ भी तो आ सकता है। नहाते वक्त एक बार अचानक से बाथरूम की लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, साथ में पानी भी चला जाता है। मारा तो डर जाती है, आफ्टरऑल वो बिल्कुल अकेली थी वहां पर। मगर कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मारा शावर कंप्लीट करके नीचे चली जाती है। वो देख नहीं पाती उसके जाते ही शावर एरिया में कुछ हलचल शुरू हो जाती है। नहाते वक्त उसके जो बाल गिरे थे उसे कोई नीचे खींच लेता है। उधर मारा को तो बहुत टेंशन हो रहा था, पिछले कुछ प्रैक्टिसेस के दौरान उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, आज पता नहीं क्या होगा। टेंशन में उसकी हालत और खराब हो रही थी, बट सरप्राइजिंगली जब वो ट्रैक पर उतरती है, सीन बिल्कुल ही पलट जाता है। बेहद अच्छा परफॉर्म करती है वो, सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। सभी हैरान हो जाते हैं उसे देखकर, इवन मारा खुद भी। वो समझ ही नहीं पाती अचानक से उसके अंदर इतनी एनर्जी कहां से आ गई, उसने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया था। उसकी रूममेट एमिली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसके साथ एक पार्टी में जाने के लिए बोलती है। मारा राजी भी होती है, मगर उससे पहले उसे नहाना था, जिसके लिए वो फिर से फिफ्थ फ्लोर वाले उसी बाथरूम में जाती है। और वहाँ इस बार उसके साथ जो होता है वो काफ़ी डरावना था। बाहर से हम देख पाते हैं उसके साथ शावर में और भी कोई है, जिसे वो देख नहीं पाती, बल्कि उसे कुछ विजन्स आते हैं। बहुत ही भयानक कुछ सीन्स दिखते हैं उसे और सुनाई देती है कुछ आवाजें, कुछ लड़के उनकी हंसी की आवाज और एक जले हुए इंसान की दर्दनाक चीख। मारा इन सब का मतलब तो कुछ समझ नहीं पाती, मगर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लिटरली भाग निकलती है वहां से। मगर वो विशंस उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो भयानक चीख उसे हॉन्ट करती रहती है। मारा इतना डर जाती है कि वो तो ये तक सोच लेती है कि वो घर वापस चली जाएगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि इससे उसके माँ को कितनी चोट पहुंचेगी, वो उन्हें अपसेट करना नहीं चाहती थी। बहुत ही कश्मकश में पड़ जाती है मारा, किससे बात करे उसे कुछ समझ नहीं आता। ठीक इसी समय कमरे में एंटर करती है एमिली, बस इसी लड़की से मारा की थोड़ी बहुत दोस्ती हुई थी, तो वो सब कुछ उसे ही बताती है। और सब कुछ सुनकर एमिली कुछ ऐसी बात बताती है जिससे मारा और ज्यादा डर जाती है। एमिली बताती है इस बिल्डिंग का फिफ्थ फ्लोर बहुत दिनों से बंद है, इनफैक्ट उसे तो ये भी पता नहीं था कि लिफ्ट फिफ्थ फ्लोर तक जाती भी है,
मारा वहां कैसे गई? ये जवाब मारा के पास भी नहीं था। वो तो हर बार फोर्थ फ्लोर का बटन ही प्रेस करती है। अगर ये कोई मैकेनिकल इश्यू है तो क्या हर बार सिर्फ उसी के साथ होता है, क्योंकि और किसी ने तो कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। मारा को ये जानना था कि उस फ्लोर को अबांडन क्यों किया गया। रीजन क्लियरली एमिली को भी पता नहीं था, बस कुछ र्यूमर सुनी थी उसने, समथिंग लाइक उस बाथरूम में किसी स्टूडेंट के साथ कुछ हुआ था, कई साल पहले कोई मिसिंग हुआ था वहां से। यह सच है या झूठ किसी को नहीं पता। मारा एमिली से और कुछ नहीं पूछती, भले उसे शक हुआ था, वो पूछताछ भी करने लगी थी, मगर मारा इग्नोर कर जाती है क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं थी उसने क्या देखा। किसी तरह बात को घुमाकर सो जाती है वो, और तुरंत ही उसे नींद भी आ जाती है, मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। कुछ ही देर बाद उसकी नींद अचानक से ही टूट जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर कहीं से पानी टपक रहा था। मारा समझ नहीं पाती कहां से, सीलिंग में तो कोई लीकेज उसे दिखाई नहीं देता, साथ में उसे एक अजीब नजारा भी दिखता है। दरवाजे के की होल से पानी कमरे के अंदर आ रहा था, और बाहर ऐसी आवाज हो रही थी जैसे तूफान चल रहा हो। मारा एमिली को जगाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं जागती, तो उसे खुद अकेले ही जाना पड़ता है। वो देखती है बाहर पूरा कॉरिडोर पानी से भर चुका है, हर तरफ से पानी निकल रहा है। पास जाने पर मारा समझ पाती है वो पानी असल में पानी नहीं, खून है। उसके पीछे एलिवेटर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, उसे जैसे कोई बुला रहा था फिफ्थ फ्लोर की तरफ, उस बाथरूम की तरफ। मारा को कुछ भी करना नहीं पड़ता, वो कैसे उस बाथरूम तक जा पहुंचती है वो भी उसे नहीं पता। इस बार तो उसे कोई बटन प्रेस करना भी नहीं पड़ा था। मारा नहाने लगती है, और कुछ ही देर में शार से निकलता हुआ पानी खून में बदल जाता है, और मारा को दिखाई देता है एक चेहरा जला हुआ, जो देखने में बहुत ही भयानक था। और वो मारा के कान में कुछ खुसफुसाता है। क्या वो मारा को याद नहीं आता? यहीं पर उसका सपना टूट जाता है। हाँ, वो सपना देख रही थी, एक ऐसा सपना जिससे पूरा दिन परेशान रहती है वो। उसे फिफ्थ फ्लोर के राज को जानना ही होगा, कुछ भी करके, किसी ऐसे इंसान से जिसे रियल नॉलेज हो। बहुत सोच विचार के बाद मारा डिसाइड करती है कि वो असिस्टेंट कोच कोडी से बात करेगी। वैसे तो पहले दिन से ही वो मारा से फ्लर्ट कर रहा था, इवन उसे पर्सनल कोचिंग के लिए भी इनवाइट किया था। लेकिन जब मारा उससे फिफ्थ फ्लोर के बारे में पूछती है, बंदा भड़क जाता है, बहुत ही वियर्डली रिएक्ट करने लगता है। कहता है अगर मारा भला चाहता है तो उस फ्लोर से दूर रहे, इनफैक्ट उससे भी। मारा कुछ समझ नहीं पाती, कोडी को अचानक क्या हो गया? वैसे भी इतना कुछ हो जाने के बाद उस बाथरूम में फिर से जाने का शौक उसे नहीं था, मगर उसे जाना पड़ता है, नहीं तो पूरा दिन उसे लाइन में ही खड़ा रहना पड़ता। उस दिन शार लेते वक्त और कुछ नहीं होता, मगर जैसे वो निकलती है उसके रिंग ड्रेन होल में गिर जाती है, और जब मारा उसे ढूंढने जाती है, उसे वहां रिंग के साथ साथ कुछ और भी मिलता है, एक टूटा हुआ चश्मा। जैसे ही वो उसे छूती है, उसे एक झटका लगता है और वो पोजेस्ड हो जाती है, बिल्कुल पिछली बार की तरह। उसकी आंखें सफेद हो जाते हैं, और इस बार भी वही विशंस आते हैं उसे, पर इस बार सब कुछ ज्यादा क्लियर था। उसे इसी शार एरिया के अंदर एक लड़का दिखता है जो तड़प रहा था, उसके पूरे शरीर पे छाले पड़ चुके थे, दर्द में रो रहा था बेचारा। दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, मगर कोई नहीं खोलता। यह चश्मा उसी लड़के का है। अपने सेंस में लौटते ही मारा को उल्टी आने लगती है, उसे ऐसा फील होता है जैसे कुछ अटक गया है उसके गले में। कुछ देर कोशिश करने पर वो चीज निकल आती है, साथ में बहुत सारा खून भी, और पता चलता है वो असल में एक कांच का टुकड़ा है, वो भी इसी चश्मे का टूटा हुआ हिस्सा। मगर ये मारा के अंदर कैसे पहुंचा? बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है बेचारी, उसी वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के भागती है, मगर उसके जाते ही हमें बाथरूम में कोई दिखता है, किसी का साया, जो शायद अभी तक छुपके से मारा पर ही नजर रख रहा था। मारा इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती, लोग उसे पागल समझेंगे।
मगर उस रात उसके हरकतों से एमिली को पता लग जाता है कुछ गड़बड़ है। रात में दोनों जब सो रहे थे तो अचानक एमिली को सुनाई देती है स्क्रैचिंग की आवाज। उसकी नींद टूट जाती है और लाइट ऑन करने के साथ साथ उसे दिखती है मारा दीवार पे स्क्रैच कर रही है। जरूर काफी समय से कर रही होगी क्योंकि उसके उंगलियों से खून निकलने लगा था, वो अपने बश में ही नहीं थी। एमिली जल्दी से उसे होश में लाती है और उसका फर्स्ट एड कर देती है। मारा से पूछने पर वो कोई जवाब दे नहीं पाती, उसे कुछ याद ही नहीं। उल्टा वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, शायद इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब वो ये सब सच में बिलीव कर रही थी या फिर सिर्फ एमिली को सुनाने के लिए बोल रही थी, गॉड नोस। एमिली को भी उसके लिए बहुत टेंशन होने लगा था। पिछले कुछ दिनों से मारा बहुत अजीब बिहेव कर रही है, उसने नोटिस किया है। वो पूरा दिन गायब रहती है, क्लासेस भी अटेंड नहीं करती, ना पूछने पर कुछ बताती है। वो मारा को एक स्टूडेंट मेंटल हेल्थ केयर का नंबर देकर उनसे बात करने के लिए कहती है। एक्चुअली उसे सच में लग रहा था कि मारा यह सब स्ट्रेस के कारण कर रही है, उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। मारा उससे और कुछ नहीं कहती, नंबर ले लेती है और अगले दिन उन्हें कॉल भी करती है। मगर साथ ही साथ उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था, उसे जानना था उस बाथरूम का राज। तो वो गूगल पे अपने कॉलेज का नाम लिखकर सर्च करती है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक छोटा सा आर्टिकल मिलता है। भले ही वो इस टॉपिक पे नहीं था, फिर भी मारा पढ़ती है और उसे पता चलता है ये किसी ईथन ब्लैक नाम के स्टूडेंट के बारे में है, जो इसी स्कूल का स्टूडेंट था और कुछ साल पहले अचानक ही गायब हो गया था। मारा एक तरफ कंप्यूटर पे स्क्रॉल कर रही थी तो दूसरी तरफ हेल्थ केयर वालों से फोन पर बात कर रही थी। इस वक्त अचानक ही उसके फोन में ग्लिचेस आने लगते हैं, उसका सोशल मीडिया अकाउंट ओपन हो जाता है अपने आप और स्क्रीन एक पोस्ट पर जाके रुकता है। ये बेसिकली ग्रुप फोटो थी, काफी पुरानी। इसमें से एक बंदे को तो मारा पहचान भी पाती है, कोडी, बाकी के सारे शायद उसी के दोस्त होंगे। गौर से देखने पर मारा समझ पाती है कोडी के अलावा बाकी तीन लड़के की ही मौत हो चुकी है, वो भी रिसेंटली और काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से। किसी पर हमला हुआ था तो कोई सोते वक्त गुजर गया। दो तीन फोटोज़ को देखने के बाद मारा को एक फ़ोटो मिलती है जिसमें उनके साथ एक और लड़का भी था। उस पर क्लिक करने पर ईथन ब्लैक का नाम शो करता है, मतलब यही बंदा गायब हो गया था। ऑल्सो मारा इस लड़के को देखकर ही समझ जाती है बाथरूम में वो इसे ही देखती है बार बार, मतलब वो असल में सिर्फ मिसिंग ही नहीं हुआ था और भी कुछ हुआ था उसके साथ। मारा इन सब में इतने बिजी हो पड़ी थी कि वो बात को खत्म किए बिना ही उस एजेंट का कॉल काट देती है और फिर से जब वो कॉल करती है तब उस एजेंट की आवाज बदल चुकी थी। अब फोन से किसी लड़की की आवाज आने लगती है। ये कॉल असल में ईथन के आत्मा ने किया था। वो मारा से कहता है उसका यह हाल कोडी और उसके दोस्तों ने मिलकर किया है, वो लोग जानवर है। इससे पहले कि मारा के साथ भी वो ऐसा ही कुछ करे, मारा को उसे खत्म कर देना होगा, उसे तो पता ही है उसे क्या करना है। इस हादसे के बाद मारा गायब हो जाती है, कहां किसी को नहीं पता। सुबह एमिली के जागने से पहले ही वो कहीं चली जाती है या फिर रात को लौटी ही नहीं थी। उसके एब्सेंस से कोडी काफी डर जाता है, उसे उस दिन ही लगा था ये लड़की कुछ जानती है। जो राज किसी को नहीं पता, उन लोगों ने किसी को जानने का मौका दिया ही नहीं था, वो मारा को कैसे पता चला? क्या खिचड़ी पका रही है ये लड़की? कोडी एमिली से कहती है उसे ढूंढने के लिए, पूरे एक हफ्ते से लगातार क्लास मिस कर रही थी वो। ऊपर से एक दिन जब कोडी घर लौट रहा था उसे अपने गाड़ी के ऊपर कुछ फोटोज मिलते हैं उसके कॉलेज लाइफ के, जिस पर ईथन को मार किया गया था। लिखा गया था कि कोडी ने ही उसका खून किया है, और यह सिर्फ उसके गाड़ी के ऊपर नहीं था, हर तरफ था। इसे देखकर कोडी बहुत ज्यादा डर जाता है और पैनिक करने लगता है, उसने केस कर लिया था, यह किसका काम हो सकता है। दूसरी तरफ एमिली जब मारा को ढूंढने कमरे में जाती है, उसे मारा तो नहीं मिलती मगर वही फोटोज मिलते हैं। पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे सब कुछ, मारा फोन रिसीव नहीं कर रही थी। एमिली को पता था वो कहाँ हो सकती है, जरूर फिफ्थ फ्लोर पे ही होगी वो, तो वो भी वहीं पर जाती है।
एलिवेटर से उतरते ही उसे मारा की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत ही हंस हंस कर किसी से बात कर रही थी। साथ में उसे एक लड़के की आवाज भी आती है जो खुशफुसा रहा था, लेकिन वो क्या बोल रहा था एमिली समझ नहीं पाती। कुछ आगे जाते ही उसे मारा दिख जाती है। सच में वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन वो कोई एमिली को नहीं दिखता। एमिली को देख के मारा बहुत ही नॉर्मली ग्रीट करती है उसे, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब एमिली उसे वहां से जाने के लिए कहती है, मारा अचानक से ही बहुत सीरियस हो जाती है। कहती है उसे मेरी जरूरत है, मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तीन का काम तो खत्म हो चुका है, अभी बस एक और ही बाकी है। मारा के ऐसे बर्ताव से एमिली को काफी डर लगने लगा था। वो मारा को लेकर बस वहां से निकलना चाहती थी, मगर मारा राजी नहीं होती। उसके गुस्से से आईने का कांच भी फट जाता है। एमिली की और हिम्मत नहीं होती वहां रुकने की। वो भागती है बाहर और इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है मदद के लिए, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले लाइन कट जाता है। और तभी उसे अचानक रियलाइज होता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रहा, स्टेयरकेस भी लॉक्ड है, मतलब वो फंस चुकी है यहाँ पर। डर से हालत खराब हो जाती है एमिली की। उसे फील होता है कोई है उसके आसपास, किसी का प्रेजेंस फील कर पा रही थी वो। ऐसे में जैसे वो पीछे मुड़ती है, उसे दिखता है ईथन का जला हुआ चेहरा। बहुत ही भयानक दिख रहा था वो। उसकी चीख से एमिली के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। फॉर्चुनेटली ईथन उसे हर्ट नहीं करता, लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसे वहां से भगा देता है। मगर मारा कहीं नहीं जाती, उसका काम जो भी बाकी है। दूसरी तरफ हम कोडी को देखते हैं एक पार्टी में। उसके आसपास सभी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो नहीं। उसका मूड बहुत ही खराब था, बहुत ही ज्यादा टेंस्ड दिख रहा था वो। किसी को भी बात करते देख उसे लग रहा था उसे लेकर ही बात हो रही है। ऐसे में मारा जा पहुंचती है उस पार्टी में बहुत ही सज धज के। कोडी उसे देखती है, उस पर चिल्लाने लगता है, उसे थ्रेट देता है कि वो जो कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर मारा बिल्कुल भी घबराती नहीं, बहुत ही भोली सूरत बनाकर कहती है वो क्या कह रहा है, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उल्टा कोडी को सीड्यूस करने लगती है, उसे बहलाकर अपने साथ लेकर जाती है। कहाँ, वो कोडी को पता नहीं चलता, क्योंकि मारा ने उसके आंखों पर पट्टी बांध दिया था। मारा असल में उसे फिफ्थ फ्लोर की तरफ ले जा रही थी, जो एमिली देख लेती है। वो समझ जाती है डाल में कुछ काला है, मगर उसके लास्ट एक्सपीरियंस के बाद और उसकी हिम्मत नहीं होती मारा के सामने जाकर उसे कुछ बोलने की। मारा कोडी को लेकर फिफ्थ फ्लोर के बाथरूम में जा पहुंचती है। कोडी तो बहुत ही उछल रहा था, मगर मारा के बातों से वो अचानक डर जाता है। मारा उससे माफी मांगने के लिए कहती है, मगर क्यों, वो समझ नहीं पाता। और इसके तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है हमला। मारा ईथन के चश्मे के टूटे हुए कांच से स्टैब करने लगती है कोडी को। एक के बाद एक वार से कोडी के पूरे शरीर से खून निकलने लगता है। दर्द में वो ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला था, उसी हालत में उसे अपने सामने दिखता है ईथन। और उसे समझ आता है इस सब का मतलब क्या है। उसे याद आता है वो दिन जब वह खुद स्कूल में पढ़ता था, सीनियर स्टूडेंट था, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जूनियर्स की बहुत रैगिंग करता था। एक दिन ईथन पर उनकी नजर पड़ती है। बेचारा बहुत ही चुपचाप रहता था, क्लास में कोई दोस्त नहीं था, एग्जैक्टली मारा की तरह। तो कोडी एक दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर मजाक मजाक में उसे इसी बाथरूम में लॉक कर दिया, ऊपर से गर्म पानी भी छोड़ दिया। बेचारा ईथन अंदर तड़पता रहा, गिरगिराता रहा। गरम पानी से उसके पूरे शरीर पे छाले पड़ चुके थे, हैंडल तक गर्म हो चुका था, तो वो पानी बंद नहीं कर पाया। कोने में बैठकर रोने लगा था वो। फिर भी इन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। ईथन के चीखों से बहुत मजा जो आ रहा था उन्हें। लेकिन कुछ देर बाद जब आवाज आना बंद हो जाता है, वो लोग डर जाते हैं। और तब दरवाजा खोल कर उन्हें जो नजारा दिखता है, उससे तो हालत ही खराब हो जाती है उनकी। ईथन मर चुका था, उसका शरीर एक्सट्रीम हीट के वजह से चिपक चुका था मेटल से। शायद इन लोगों ने सोचा नहीं था इतना बड़ा कांड हो जाएगा, तो वो लोग सिंपली दरवाजा बंद करके भाग जाते हैं वहां से।
बाद में स्कूल अथॉरिटी को लाश मिलती है। सभी को लगता है ये कोई एक्सीडेंट होगा, सच्चाई किसी को पता नहीं चली। रिपोर्टेशन की वजह से इस केस को हाइड कर दिया गया और उस फ्लोर को बंद कर दिया गया। ईथन की अतृप्त आत्मा भटकती रह गई वहां। रिसेंटली जब मारा वहां नहाने गई, ईथन ने उसे पोजेस कर लिया और उसके जरिए एक एक करके अपना बदला पूरा किया। सजा मिली सबको, मगर क्या पुलिस से सच्चाई को इस बात को समझ पाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। कोडी का खून करने के बाद मारा का सेंस लौट आता है और अपने चारों तरफ इतना सारा खून देखकर वो चिल्लाने लगती है। उसके आवाज से सभी जा पहुंचते हैं वहां पर। पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस आके मारा को दोषी समझकर उसे अरेस्ट कर लेती है। खून किया था उसने, वो भी इतने ब्रूटल तरीके से। सजा तो उसे मिलेगी ही, मगर सबसे बड़ी सजा उसके लिए ये बन चुकी थी कि उसे खुद नहीं पता उसने कोडी का खून किया क्यों, उसे कुछ याद क्यों नहीं है। बेचारी, अभी पूरा जीवन उसे इसी सवाल के साथ जीना होगा, अगर फांसी नहीं हुई तो। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। स्टोरी तो अच्छी है मगर एंडिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपका क्या ख्याल है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।